Hello everyone, my name is Shubham Sharma and today we are going to start a new discussion, that is Doctrine of Indoor Management. Doctrine of Indoor Management की study आज हम करने जा रहे हैं. And before starting our discussion, let me request you, if you have don't subscribe my channel, so please do this. Please subscribe to Teacher by Passion and make sure you also have press bell icon. And one more thing is also I want to say that अगर आपको ये जो नोट्स यूज़ कर रहे हैं वो नोट्स चाहिए आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से उसको डाउनलोड कीजिए. मेरा प्रोफाइल लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं मुझे. और इस अनअकैडमी ऐप पे आपको 9th से लेकर UPSC IAS तक की प्रिपरेशन के लिए टीचर्स के वीडियो अवेलेबल होते हैं और डेली बेसिस पे बहुत सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ. तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपके कंपनी लॉ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है, जो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ने के बाद आपको उसी से रिलेटेड एक डॉक्ट्रिन है, यानी कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को रीड करने के बाद उन दोनों पे बेस्ड एक इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्रिन है, जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आपको इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं. तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन, लेट मी टेल यू सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट माई चैप्टर, दैट मोड ऑफ लैंग्वेज विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट. मैं अपनी वीडियो में दोनों तरह की लैंग्वेजेस यूज़ करूँगा, हिंदी और इंग्लिश का, ताकि आप मेरी बात को आसानी से समझ पाएँ और मैं भी अपनी बात को आसानी से समझा पाऊँ. एंड ऑल दी स्लाइड्स आर रिटन बाय मी, नॉट कॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर. ये जितनी भी स्लाइड्स आप देख रहे हैं ये मैंने ही लिखी है, कहीं से कॉपी नहीं की गई. एंड इमेजेस यूज्ड इन दी स्लाइड्स आर फ्री फ्रॉम कॉपीराइट्स. इमेजेस ये जितने आप देख रहे हैं, देखने वाले हैं या देखेंगे, सभी की सभी कॉपीराइट फ्री है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने मेन डिस्कशन को और बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इनडोर मैनेजमेंट. अगर मैं इनडोर को दो वर्ड्स में बांट दूं तो इन और डोर बन जाएगा ये, यानी कि डोर माने दरवाज़ा, इन माने अंदर, यानी ऐसा मैनेजमेंट जो दरवाजे के पीछे होता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि आउटसाइडर से छुपा हुआ होता है ये जो मैनेजमेंट, ये जो पॉलिसीज या जो ये जो भी प्रोसीडिंग्स हैं, ये केवल कंपनी के इंटरनल लोगों के बीच में होती है. इंटरनल लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें आउटसाइडर को पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं होती. सो इसी को हम इनडोर मैनेजमेंट कहते हैं. अब इसमें होता क्या है, अब जो भी कंपनी के अंदर इंटरनल प्रोसीडिंग चल रही है उसकी नॉलेज आउटसाइडर को नहीं होगी, यानी आउटसाइडर को नहीं पता कि कंपनी ने आपस में क्या डिसाइड किया है और कैसे मैनेजमेंट करने वाले हैं. तो इसलिए इसको इंडोर मैनेजमेंट का नाम दिया. आप इंडोर मैनेजमेंट समझते हैं ये होता क्या है. तो देखिए, जैसे कि इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग जो पर्सन कंपनी से डील करने आया है, यानी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने आएगा, पर्सन डीलिंग विद कंपनी नीड नॉट टू इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब कि जब जैसे कि इसको मालूम है कि कंपनी ने अपने इंटरनल प्रोसीडिंग्स के अंदर पता नहीं क्या डिसाइड किया हुआ है, तो अब जो आउटसाइडर ये बाहर खड़ा हुआ है, यानी कंपनी से डीलिंग करने आया है, कॉन्ट्रैक्ट करने आया है, लेकिन अब ये कंपनी को बार बार ये नहीं बोलेगा दैट कि आपने हमें बताइए आपका मैनेजमेंट में क्या रूल थे, क्या आपने डिसाइड कर रखा है, कैसे कैसे करेंगे. बस इसको जिम्मेदारी ये दी गई है कि भाई जब भी तू कंपनी के साथ डील करे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को पढ़ के आना, क्योंकि उसके अंदर अगर जो भी चीज़ लिखी गई है उसकी नॉलेज अगर आपको है, बस केवल वहीं तक की आपकी ज़िम्मेदारी है. बाकी कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग्स क्या होते हैं उसकी ज़िम्मेदारी कंपनी के ऊपर होती है, इसीलिए ये इंडोर मैनेजमेंट है. यानी ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में. अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन, इस डॉक्ट्रिन यानी इस प्रिंसिपल के अनुसार, पर्सन डीलिंग विद कंपनी need not inquire whether internal proceeding relating to contract are followed correctly. यानी कि जो पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको ज़रूरत नहीं है कि वो इस चीज़ की इंक्वायरी करे कि क्या कंपनी ने अपने इंटरनल प्रोसीडिंग्स को ठीक से किया है, जो जो ज़रूरी मीटिंग्स थे वो उसने अरेंज करें हैं या नहीं करें. तो वही चीज़ इसके अंदर बोला गया है कि बाहर वाले पर्सन को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अब बाहर वालों को इस बात करने की चिंता क्यों नहीं है, क्योंकि ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है. यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है
ये कंपनी के फेवर में नहीं, कंपनी के अगेंस्ट है। देखिए, स्टेक होल्डर यानी जो पर्सन बाहर का है, नीड्स नॉट टू इंक्वायर, उसको ज़रूरत नहीं है इंक्वायरी करने की वेदर चाहे द नेसेसरी मीटिंग मीटिंग वॉज कन्वेक्ट, मतलब कि क्या नेसेसरी मीटिंग, जितनी जितने लोगों की आवश्यकता थी उतने लोगों की मीटिंग अरेंज कराई गई है या नहीं की गई, एंड हेल्ड प्रॉपरली, और वेदर नेसेसरी रेजोल्यूशन वॉज पास्ड प्रॉपरली, यानी जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड रेजोल्यूशन थे क्या प्रॉपरली पास कराए गए हैं या नहीं कराए गए, एंड दे आर एंटाइटल्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड दैट द कंपनी हैड गॉन द थ्रू द ऑल दिस प्रोसीडिंग इन अ रेगुलर मैनर। मीन्स जो पर्सन जो आउटसाइडर है उसको अपने मन में ये मान लेना चाहिए कि कंपनी ने अपने काम अच्छे से किए होंगे, जो इंटरनल प्रोसीडिंग्स है जो उसकी पहुंच से बाहर यानी उसको नहीं बताए जा रहे हैं, तो उसको ये मानने के लिए लायबल है और ये मानने के लिए योग्य है कि दैट उस कंपनी ने अपने इंटरनल प्रोसीडिंग्स अच्छे से किए होंगे। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे चल के अगर कंपनी के साइड से कुछ फॉल्ट निकलती है तो वो ब्लेम आउटसाइडर पे नहीं डाल सकते कि आपने इंक्वायरी क्यों नहीं करी या फिर आपने क्यों नहीं पढ़ा इस बारे में, क्योंकि वो कंपनी का इंटरनल मैटर था। इसलिए वो आउटसाइडर ये मानने के लिए लायबल था या ये मानने के लिए मजबूर था कि कंपनी ने अपने इंटरनल प्रोसीडिंग्स अच्छे से कर लिए होंगे। तो वही चीज़ यहाँ बोला गया है, इन अ रेगुलर मैनर द डॉक्ट्रिन हेल्प्स टू स्टेट दैट, ये डॉक्ट्रिन क्या मदद करता है, हेल्प्स टू स्टेट, सॉरी द डॉक्ट्रिन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट एक्सटर्नल मेंबर, ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, एक्सटर्नल मेंबर को करता है फ्रॉम द कंपनी, एंड स्टेट दैट, और क्या कहता है, द पीपल आर एंटाइटल टू प्रिज्यूम, प्रिज्यूम का मतलब प्री अज्यूम यानी पहले से ही अज्यूम कर लेगा वो, तो द पीपल आर एंटाइटल, जो पीपल है क्या है, आर एंटाइटल है, योग्य है या फिर एंटाइटल है टू प्री अज्यूम, प्रिज्यूम करने के लिए, एंड इंटरनल प्रिज्यूम दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर एज पर डॉक्यूमेंट सबमिटेड वर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, यानी कि इन्होंने ये बताया कि जैसा कि इन्होंने अपने रजिस्ट्रार यानी कि ROC को बताया होगा कि हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे, इन्होंने वैसे उसी के अकॉर्डिंग काम किया है, ऐसा ये प्रिज्यूम करने के लिए एंटाइटल है, और इन फ्यूचर अगर कंपनी के एंड से कोई गलती निकलती है तो इसके लिए ये लाइबल नहीं होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि प्रिज्यूम टू एंटाइटल। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक की बात तो समझ में आ चुकी है हमें। अब देखिए समझते हैं कि बेसिक ऑफ डॉक्ट्रिन क्या कहता है, मतलब जो अभी हम बेसिक सी बातें कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है कि भाई कंपनी के इंटरनल मैटर के आउटसाइडर को नॉलेज नहीं होती है और इसके लिए फिर आउटसाइडर को इसमें इनके डे टू डे मैनेजमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता, इसीलिए बाहर वाले को ज़रूरत भी नहीं है कि इसके बारे में जाने, क्योंकि ये कंपनी के ऊपर इस डॉक्ट्रिन के थ्रू एक लायबिलिटी कर डाल दी गई है कि अगर कोई लापरवाही दिखाई है तो इसके लिए केवल आप ही जिम्मेदार होंगे, बाहर वाला मेंबर आपके लिए उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा। तो ऐसा स्कीम इसमें कहाँ गया है, लेकिन अगर मान लीजिए कहीं कहीं कुछ केस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर बाहर वाले की गलती, मतलब अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो भी बाहर वाले की गलती मानी जाएगी, यानी कि कहाँ पर ये इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होगा, यानी बात करते हैं एक्सेप्शन की, एक्सेप्शन माने कहाँ पर ये रूल या ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा, तो एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबिलिटी डॉक्ट्रिन ऑफ मैनेजमेंट एंड कंसेप्ट, मतलब कि कहाँ कहाँ होता है ये, तो हम बात करते हैं एक्सेप्शन की। तो नंबर वन है नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, जहाँ पर बाहर वाले पर्सन को कंपनी के अंदर क्या होने वाला है इसकी जानकारी थी, यानी कि उसको पहले से नॉलेज थी कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें लिखा हुआ किसी दो पर्सन के साइन होने ज़रूरी है कंपनी के मैनेजमेंट से, यानी एक कंपनी सेक्रेटरी के और प्लस एक मैनेजिंग डायरेक्टर के, तो उस केस में अगर इसको मालूम है ये बात और ये इसको पता चला इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आया वो ओनली सेक्रेटरी के साइन करके आए और इसको इस बात की नॉलेज थी, तो अगर नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है, अगर उसको जानकारी है कि कंपनी की इरेगुलरिटी दिखाई है और तब भी वो कोई एक्शन नहीं लेता या शांत रहता है, तो इन फ्यूचर वो ही लाइबल होगा इसके लिए, उसको इस डॉक्ट्रिन का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ऑलरेडी इसकी नॉलेज थी और आप इनोसेंट नहीं थे। ये केवल जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है केवल इनोसेंट पर्सन के लिए है, ये तो पहले ही से सब कुछ जानता था, तो इसलिए इसको ये एक्सेप्शन हो गई है, यानी कि अगर आपको नॉलेज है इरेगुलरिटी का मतलब लापरवाही का, या फिर मैं बोल दूं कि इरेगुलरिटी का मतलब जो प्रोसीडिंग्स थी जो प्रोसीजर था उससे हटके कर रहे हैं, तो उस चीज़ की नॉलेज थी आपको तब भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इसके लिए अब आप ही जिम्मेदार होंगे, इन फ्यूचर आप कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते।
आगे देखते हैं। सेकंड है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब लापरवाही। लापरवाही का मतलब मान लीजिए कोई पर्सन कंपनी से डीलिंग करने आया और उसने बस केवल नॉर्मल से सवाल पूछे, मतलब जो उसको काम के सवाल थे वो उसने पूछे ही नहीं, उसकी इंक्वायरी की ही नहीं, कंपनी से बस केवल जाके इतना पूछा कि सर मुझे कितने पैसे देने होंगे बस। इसके अलावा और कोई जो नेसेसरी चीज़ें थी वो पूछी नहीं, और इन फ्यूचर अगर उसने कोई गड़बड़ होती है तो कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसने नेग्लिजेंसी दिखाई थी इंक्वायरी करते वक्त। यानी कि यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब उसने क्या कहते हैं, कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त नेग्लिजेंस दिखाई, और जो उसने सफिशिएंट जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उतनी भी इन्फॉर्मेशन नहीं ली। यानी कि कंपनी से जितनी एक पर्सन दूसरे पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इन्फॉर्मेशन लेता है उतनी भी इन्फॉर्मेशन इसने नहीं ली। तो इस केस में अगर उसकी सामने वाले पर्सन की नेग्लिजेंसी यानी आउटसाइडर की नेग्लिजेंसी है तो इस केस में कंपनी को ब्लेम नहीं किया जा सकता और यही पर्सन खुद ही लाइबल होगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट था फॉर्जरी। देखिए दो पॉइंट पढ़ चुके हैं, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, जहाँ पे आपको ऑलरेडी इरेगुलरिटी की नॉलेज थी वहाँ पर आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फ़ायदा नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आपने लापरवाही यानी कि नेग्लिजेंस दिखाई है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। और तीसरा है फॉर्जरी, यानी जब कोई एक पर्सन कंपनी के साथ किसी धोखे का बिजनेस करता है। मतलब देखिए यहाँ पे द रूल डज नॉट अप्लाई वेयर अ पर्सन अपॉन अ डॉक्यूमेंट्स दैट टर्न आउट टू बी फोर्ज से नथिंग कैन बी वैलिडेट फॉर्जरी। मतलब कि यहाँ बताया गया है कि उसने लाइक कहते हैं ना धोखेधड़ी का बिजनेस, या किसी और की साइन नकली साइन करके कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब किसी भी तरह का अगर आप फॉर्जरी धोखा करके करते हो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को पहली बात तो वैलिड नहीं माना जाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं है उसके लिए आप कंपनी को ब्लेम नहीं करोगे। तो ब्लेम नहीं कर पाओगे, या कंपनी कैन नेवर बी हेल्ड बाउंड ऑफ फॉर्जरी कमिटेड बाय इट्स ऑफिसर। तो अगर मान लीजिए कोई आउटसाइडर और कंपनी का कोई इंटरनल ऑफिसर, यानी कंपनी का कोई और एम्प्लॉई और आउटसाइडर दोनों मिलके कोई धोखा करते हैं, धोखे से कंपनी से साथ कोई चीट करने का कोशिश करते हैं, और उस केस में कोई भी ऐसा फॉर्जरी काम करते हो आपने, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। तो वही बताया गया कि अगर आप फॉर्जरी करते हो तो फिर कंपनी इस चीज़ के लिए बिल्कुल लायबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये था हमारा इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर चुके हैं।